सर अपने नाम से शुरू करेंगे, ये जो पत्रकार वार्ता की जा रही है किस मुद्दे को लेकर? ऐसा मैं रोटेरियन पूरन लाल शर्मा, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब उधमपुर, ये बताना चाहता हूँ कि ये हमने 2006 में ये एक गिफ्ट ऑफ लाइफ प्रोजेक्ट शुरू किया था। ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जिसमें हमारे कुछ फॉरेन पार्टनर्स भी हैं और कुछ हमारे रोटरी के मेंबर्स जो दिल्ली क्लब के हैं उन्होंने स्टार्ट किया था। और मुझे ये कहने में हर्ष हो रहा है कि ये प्रोजेक्ट हमारे उधमपुर क्लब से ही शुरू हुआ था। हमने यहाँ पे एक कैंप लगाया था और कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम आई थी कि उनको बचपन से ही उनके हार्ट में सुराख था जिसके लिए सर्जरी के लिए 3.5 से 4 लाख तक का खर्चा आता था। तो जब हमने इसके लिए उनकी मदद करना चाही तो फिर आगे रास्ता बन गया और बाकी लोगों से मिलके हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम है गिफ्ट ऑफ लाइफ। तो तब से ये अब तक चल रहा है। अब तक हम मेरे ख्याल में 100 से ज़्यादा बच्चों की सर्जरीज करवा चुके हैं। तो उसी संदर्भ में ये हमने ये कैंप रखा है 15 तारीख को जिसके लिए दिल्ली के हार्ट नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स आ रहे हैं यहाँ पर। वो पहले स्क्रीनिंग करेंगे, उसके बाद वो देखेंगे जो बच्चे जिनको सर्जरी की ज़रूरत होगी और उनकी उम्र जो 20 साल से कम है उनको सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट की जाएगी। हॉस्पिटल की ओर से कैंप यहाँ पे लगाया जाता है, क्या दूर दराज के एरियो में इसी तरह के कैंप नहीं लगाए जाते कि हार्ट के लिए की जांच की जाए जहाँ? हाँ ऐसा है, ये अच्छा प्रश्न पूछा आपने। दूर दराज इसलिए ये मुमकिन नहीं हो पाता है क्योंकि उसके लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं उनको, जैसे उनको इको कार्डियोग्राफी वगैरह करनी होती है, ECG वगैरह करने के लिए, वो वहाँ पर वो सामान उपलब्ध नहीं होता है। तो इसलिए हमें आपकी आप लोगों की ज़्यादा हमें हेल्प की ज़रूरत होती है ताकि लोगों को दूर दूर तक ये मैसेज मिल जाए तो वो इसका फ़ायदा ले सकें।